आपको पता है रोटी की दो लेयर में से एक मोटी और एक पतली क्यों होती है? चलो आज इसी के बारे में सीखते हैं। देखो जब हम आटे में पानी मिलाकर इसको लगाते हैं ना, तो आटे में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक लासा, एक मतलब लचीली लेयर बन जाती है, जिसे लासा कहते हैं या ग्लूटेन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो अब देखिए मैं ये आटा लगा रही हूँ पानी में ला के, इसमें अब क्या है, एक लास ग्लूटेन नामक एक लचीली परत बन जाएगी, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना CO2, वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत होती है। ये देखो मेरा आटा लग के तैयार हो गया। इसमें क्या था, जब मैंने इसको पानी से लगाया ना, तो इसमें जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन में कन्वर्ट हो गई और वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने लग गई। अब ये देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये फूला हुआ रहता है, ठीक है। ये देखो मैंने रोटी बना के तवे पे डाल दी है, अब मैं इसको फुलाने जा रही हूँ। ये देखो मेरी रोटी, देखो ये दो लेयर में हो गई कन्वर्ट, ठीक है। एक लेयर मोटी है, एक लेयर पतली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो देखो इसके अंदर क्या है भाई, आटे में जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन में कन्वर्ट हो गया ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है बीच में, और अपन नीचे से इसको हीट दे रहे हैं ना, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण जितना इस पे प्रेशर पड़ता है ना, तो ये रोटी उतनी फूल जाती है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे टर्न करा है, तो नीचे से तो ये मोटी रह जाएगी, पपड़ी जो तवे के पास है ना हिस्सा, वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और CO2 और स्टीम के कारण ये दो लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, इसके ऊपर वाले भाग को फुला देता है, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है।